हेलो मेरे दोस्तों, कभी सोचा है आपके जाने के बाद आपकी फैमिली का क्या होगा? नहीं सोचा तो अब सोचो। इमेजिन करो आपकी लाइफ ना स्मूथली चल रही है, सुबह काम पर जाते हो, शाम को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो और महीने के एंड में सैलरी से घर के सारे खर्चे मैनेज भी कर लेते हो, ईएमआई, बच्चों की फीस, बिल्स, ग्रोसरीज, सब कुछ। लेकिन सोचो अगर ये सैलरी आना बंद हो जाए तो आपकी फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी, ईएमआई का क्या होगा, बच्चों की एजुकेशन कैसे चलेगी। जिंदगी ना बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और हम नहीं जानते कल क्या होगा। मैं आपको डराने नहीं बल्कि प्रिपेयर करने आया हूँ, ताकि अगर आपके साथ लाइफ में कुछ अनप्रेडिक्टेबल हो जाए और आपके जाने के दुख के साथ साथ आपकी फैमिली को फाइनेंशियल दुख ना झेलना पड़े, उसके लिए आपको चाहिए होगा एक अच्छा टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें जीते जी आपको कुछ नहीं मिलेगा बट आपके जाने के बाद भी आप अपनी फैमिली को प्रोवाइड करते रहोगे, जो जिंदगी के साथ तो नहीं सिर्फ जिंदगी के बाद काम आएगा। टर्म लाइफ इंश्योरेंस को समझना कंफ्यूजिंग हो सकता है और एजेंट्स ना कभी भी क्लियर गाइडेंस नहीं देते, पर इस वीडियो में मैं चार सिंपल स्टेप्स में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। कौन सा इंश्योरेंस लेना है, कितनी कवरेज चाहिए, पॉलिसी ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, प्रीमियम कैसे पे करना है, सब कुछ। इसके बाद आपको ना और कोई वीडियो देखने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। शुरू करते हैं जहां हम ना चार स्टेप्स से गुजरेंगे और आपके लिए आपका परफेक्ट इंश्योरेंस फिट पता लगाएंगे। इस वीडियो के पार्ट वन की लिंक ना मैंने ऊपर आई बटन में डाली है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, सो हो सके तो उस वीडियो को इस वीडियो को देखने से पहले देख लीजिए। मैं हूँ भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड अ पर्सनल फाइनेंस कोच। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट कीजिए theartofwealthbuilding.com पर या इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप चेक कर सकते हैं। सो स्टेप नंबर वन, असेसिंग योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। सबसे पहले स्टेप नंबर वन में हम आपकी ना करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को देखेंगे। ये जरूरी है क्योंकि हर किसी को ना टर्म लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पास अच्छी खासी सेविंग्स है, इनफ एसेट्स है जहां से रेगुलर इनकम आ रही है और आपके ऊपर ना कोई डिपेंडेंट भी नहीं है, जैसे शादी नहीं हुई है अब तक आपकी, बच्चे नहीं है और आप घर के ब्रेड विनर भी नहीं हो, तो टू बी ऑनेस्ट आपको ना टर्म प्लान इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। आप उस प्रीमियम को इन्वेस्ट करने पे फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी इनकम पर पूरे घर के एक्सपेंसेस डिपेंड करते हैं, मान लीजिए आपके पेरेंट्स, स्पाउस और बच्चे सब आपकी इनकम पर डिपेंडेड है और आपके पास ना ही ज्यादा एसेट्स है और ना ही खास सेविंग्स और ऊपर से घर और गाड़ी की ईएमआई भी आपके सर पर ही है, तब टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। मान लेते हैं आप ना 30 साल के वर्किंग प्रोफेशनल हो और हाउस होल्ड इनकम का सिंगल सोर्स हो, तो अपना आइडियल टर्म इंश्योरेंस फिगर आउट करने के लिए ये सब देखना होगा आपको। नंबर वन, इनकम। पहले ना अपनी मंथली और एनुअल इनकम नोट करो। जैसे अगर आपकी मंथली इनकम 1.25 लाख रुपीस है तो एनुअल इनकम हो गई 15 लाख रुपीस। ये आपको समझने में मदद करेगा कि आपकी इनकम घर के एक्सपेंसेस में कितना कंट्रीब्यूट करती है। नंबर टू, लायबिलिटीज। अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की लिस्ट बनाओ, जैसे होम लोन, कार लोन और क्रेडिट कार्ड डेट्स। अगर आपके ऊपर 20 लाख रुपीस का होम लोन है, 5 लाख रुपीस का कार लोन है और 2 लाख रुपीस का पर्सनल लोन है, तो ये सब आपको इंश्योरेंस कवर में इंक्लूड करना होगा। नंबर थ्री, एसेट्स। अपने पास जो भी एसेट्स है जैसे सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टीज, उन्हें लिस्ट करो। अगर आपके पास 10 लाख रुपीस की सेविंग्स और 5 लाख रुपीस का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, तो ये आपका फाइनेंशियल कुशन बनेगा। देन डिपेंडेंट्स। आपके डिपेंडेंट्स कौन कौन है उनकी लिस्ट बनाओ, बीवी, बच्चे, एल्डरली पेरेंट्स या कोई और जो आपके इनकम पे डिपेंड करते हैं। ये सोचना जरूरी है कि आपके डिपेंडेंट्स कितने सालों तक आपके फाइनेंशियल सपोर्ट पे डिपेंडेंट रहेंगे। जैसे अगर आपके बच्चे अभी छोटे हैं और आप चाहते हो कि उनकी एजुकेशन और शादी के खर्चे कवर्ड रहे, तो पॉलिसी टर्म को उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक सेट करना चाहिए। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट एज। आपको ना अपनी पॉलिसी टर्म को अपनी एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट एज के साथ अलाइन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 60 ईयर्स की उम्र में रिटायर करने का प्लान कर रहे हो और अभी आपकी एज 30 साल है, तो आपकी पॉलिसी को एटलीस्ट 30 सालों तक कवर करना चाहिए। इससे ना ये इंश्योर होता है कि आपका फैमिली तब तक फाइनेंशियली सिक्योर रहे जब तक आप एक्टिवली अर्न कर रहे हो। देन इज हेल्थ स्टेटस। पॉलिसी टर्म को सिलेक्ट करते वक्त आपको अपनी हेल्थ को भी कंसिडर करना चाहिए। अगर आप अभी यंग और हेल्दी हो तो आपको लॉन्गर टर्म के लिए लोअर प्रीमियम मिलेगा, लेकिन अगर आप लेटर स्टेज में पॉलिसी रिन्यू करने का सोचते हो तो प्रीमियम कॉस्ट बढ़ सकती है या आपको कवरेज मिलना मुश्किल भी
भी हो सकता है। देन इज रिन्यूएबिलिटी। कुछ पॉलिसी रिन्यूएबिलिटी ऑप्शन के साथ आती है जिससे आप अपनी पॉलिसी को टर्म के एंड में भी रिन्यू कर सकते हो, लेकिन इस पे ना प्रीमियम कॉस्ट बढ़ सकती है। अगर आपके पास रिन्यूएबिलिटी ऑप्शन है तो ये समझना जरूरी है कि आपको कितना एडिशनल कॉस्ट पे करना होगा उस समय पर। देन इज फाइनेंशियल नीड्स। आखिर में ना आपको देखना है कि आपके डिपेंडेंट्स के फाइनेंशियल नीड्स क्या है, जैसे एजुकेशन, मैरिज, हेल्थ केयर एक्सपेंसेस और डेली एक्सपेंसेस। अगर आपको बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए 20 लाख रुपीज की जरूरत होगी तो ये आपके कवर का पार्ट होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेप नंबर 2, दैट इज कैलकुलेटिंग योर आइडियल इंश्योरेंस कवरेज। अब ये सारी पॉसिबिलिटीज माइंड में रखने के बाद जो अभी हमने डिस्कस करी, आपको ना अपना आइडियल कवरेज अमाउंट पता करना है। अब लोग पता है क्या गलती करते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि जितना ज्यादा कवर होगा उतना अच्छा। अपना टर्म लाइफ इंश्योरेंस का अमाउंट चूज करना रेडीमेड शर्ट खरीदने जैसा नहीं होता फ्रेंड्स। ये ऐसा है जैसा अपने लिए एक कस्टम सूट बनवाना जो आपके साइज के हिसाब से तैयार करा जाता है। ये आपके स्पेसिफिक फाइनेंशियल नीड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फ्यूचर गोल्स के हिसाब से टेलर मेड अमाउंट होता है और इसे निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है। आइडियल कवरेज अमाउंट इक्वल्स ह्यूमन लाइफ वैल्यू प्लस टोटल लाइबिलिटीज माइनस एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कवर, HLV। यानी ह्यूमन लाइफ वैल्यू वो अमाउंट है जो आप अपनी पूरी जिंदगी में कमा सकते हो। अगर सब कुछ स्मूथली चलता रहे तो आप कितनी वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। अब ये HLV कैसे निकालेंगे? इमेजिन करो आपकी एनुअल इनकम 15 लाख रुपीज है और आप अभी 30 साल के हैं। अगर आप 60 साल तक काम करने वाले हो तो अगले 30 सालों में आप 15 लाख रुपए हर साल कमाओगे। अब आपकी प्रेजेंट HLV कैलकुलेट करने के लिए आपको ना अपना एनुअल इनकम उस टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करना होगा। सो इन आर केस 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 30 इयर्स इक्वल्स 4.5 करोड़। अब ये 4.5 करोड़ आपकी प्रेजेंट ह्यूमन लाइफ वैल्यू होगी, आपकी एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम है जो आपकी फैमिली के लिए हो सकती थी अगर आप जिंदा होते तो। इसमें हमें ऐड करनी है आपकी सारी लाइबिलिटीज। मान लो आपका होम लोन चल रहा है 40 लाख का, 6 लाख का कार लोन है, 2 लाख का पर्सनल लोन है और 2 लाख रुपए इधर उधर कहीं और लाइबिलिटी है, तो उन सभी को ऐड करके मोटा मोटा 50 लाख रुपीज बन जाता है। इसे अपने HLV अमाउंट में ऐड कर दो, 4.5 करोड़ प्लस 50 लाख हो जाएगा 5 करोड़। अब इस 5 करोड़ में से अपना एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कवर माइनस कर दो। मान लीजिए आपके पास ना 1 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आपने ऑलरेडी ले रखी है, बट जब आपने HLV कैलकुलेट किया तो वो 4.5 करोड़ आया। इसका मतलब है कि आपके कवर में 3.5 करोड़ का शॉर्टफॉल है। ये गैप समझना इसीलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप ये डिसाइड कर सको कि आपको कितना एडिशनल कवर चाहिए होगा। तो अपने 1 करोड़ के कवर को इस 5 करोड़ में से माइनस कर दो। अब जब आप इंश्योरेंस लेने जाओगे ना तो आपको 2 तरह के कवरेज अमाउंट के ऑप्शंस मिलेंगे, एक है फिक्स्ड कवरेज और दूसरा होगा इंक्रीज्ड कवरेज। दोनों में फर्क क्या है जल्दी से समझ लेते हैं। फिक्स्ड कवरेज, कवरेज अमाउंट की बात करें तो पूरी पॉलिसी ना टर्म के दौरान कांस्टेंट रहती है। अब अगर हम इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन की बात करें तो फिक्स्ड कवरेज इन्फ्लेशन के साथ पेस नहीं रख पाता, मतलब जो सम अश्योर्ड आज सफिशिएंट लगता है उसकी वैल्यू टाइम के साथ कम हो सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो कम फ्लेक्सिबल होता है, आप इनिशियल कवरेज अमाउंट में ही लॉक्ड हो जाते हो। प्रीमियम कॉस्ट की बात करें तो फिक्स्ड कवरेज जो है वो टिपिकली लोअर प्रीमियम का होता है और टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है। और सूटेबिलिटी की बात करें तो फिक्स्ड कवरेज जो है ना ये उन लोगों के लिए आइडियल है जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ना थोड़ी स्टेबल है और जिनके कवरेज नीड्स काफी हद तक प्रेडिक्टेबल है। अब हम बात करते हैं इंक्रीज्ड कवरेज की। कवरेज अमाउंट की बात करें तो इंक्रीज्ड कवरेज जो है ना वो पॉलिसी टर्म के दौरान एक प्री डिटरमाइंड रेट से बढ़ता रहता है जो इन्फ्लेशन को काउंटर करने में मदद करता है। अब अगर हम इंक्रीज्ड कवरेज के इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन की बात करें तो ये ना परचेजिंग पावर को मेंटेन करता है ताकि आपका कवरेज राइजिंग कॉस्ट के हिसाब से एडजस्ट हो सके। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो इंक्रीज्ड कवरेज ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है और आपकी चेंजिंग फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से एडजस्ट भी होता है। और अगर हम प्रीमियम कॉस्ट की बात करें तो इनिशियली ना इंक्रीज्ड कवरेज का प्रीमियम हायर होता है क्योंकि कवरेज बढ़ता रहता है। और फाइनली अगर हम सूटेबिलिटी की बात करें तो ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जो ये मान के चल रहे हैं कि फ्यूचर में उनकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी या जो इन्फ्लेशन से अपने कवरेज वैल्यू को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब समझते हैं स्टेप नंबर 3, फाइनलाइज पॉलिसी टर्म ड्यूरेशन। अब शॉर्टर और लॉन्गर पॉलिसी टर्म लेने के अपने फायदे और नुकसान है और ये हर किसी की नीड के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। शॉर्टर पॉलिसी ड्यूरेशन की बात करते हैं। प्रीमियम कॉस्ट लोअर प्रीमियम्स होते हैं क्योंकि कवरेज पीरियड शॉर्टर होता है। कवरेज पीरियड की बात करें तो कवरेज पीरियड जल्दी एंड होता है जो आपको रिटायरमेंट तक कवर
नहीं कर सकता। प्रोटेक्शन फॉर डिपेंडेंट्स की बात करें तो शॉर्टर ड्यूरेशन पॉलिसीज में डिपेंडेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन बहुत लिमिटेड हो जाता है। सूटेबिलिटी फॉर लायबिलिटीज की बात करें तो शॉर्टर ड्यूरेशन पॉलिसीज आपके लॉन्ग टर्म डेट्स जैसे होम लोन को पूरा कवर नहीं कर सकती। कई बार हेल्थ कंसिडरेशन की बात करें तो शॉर्टर ड्यूरेशन पॉलिसीज में आप फ्यूचर में रिन्यू करने का ऑप्शन ले सकते हो, लेकिन तब हेल्थ कंडीशंस के बेसिस पे प्रीमियम बढ़ भी सकता है। अब इन्फ्लेशन की इम्पैक्ट की बात करें तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कम होता है, लेकिन सम अश्योर्ड फ्यूचर में कम हो सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस लॉन्गर पॉलिसी ड्यूरेशन। प्रीमियम कॉस्ट की बात करें तो हायर प्रीमियम होते हैं क्योंकि कवरेज पीरियड ज्यादा लंबा होता है। कवरेज पीरियड की बात करें तो लॉन्गर ड्यूरेशन पॉलिसीज आपको रिटायरमेंट तक या शायद कई बार उसके बाद भी कवर कर सकती है, लेकिन क्या सही में आपके पास रिटायरमेंट के बाद इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊं। प्रोटेक्शन फॉर डिपेंडेंट्स की बात करें तो यहाँ डिपेंडेंट्स के लिए फुल प्रोटेक्शन इंश्योर करी जा सकती है जब तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। अगर हम लायबिलिटी के सूटेबिलिटी की बात करें तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जैसे होम लोन कार लोन का पूरा कवर इसमें कवर किया जा सकता है। अब अगर हम हेल्थ कंसिडरेशन की बात करें तो हेल्थ रिस्क लॉक हो जाते हैं जब आप अर्ली स्टेज में लॉन्गर ड्यूरेशन पॉलिसी लेते हो ताकि फ्यूचर में हायर प्रीमियम से बचा जा सके। इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट की बात करें तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है, इसीलिए हायर कवरेज लेना बेटर है। अगेन इस पे भी कुछ डिबेट होते हैं जो मैंने पार्ट वन में कवर किया है, उसे आप जरूर देखिएगा। स्टेप नंबर 4, चूज द राइट प्रीमियम पेमेंट प्लान। नाउ अमाउंट सेट कर लिया, ड्यूरेशन सेट कर ली, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज की बात करते हैं, प्रीमियम की पेमेंट कैसे करनी है। अब देखिए आपके पास ना 3 तरह के पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, सिंगल प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम। चलिए इन्हें ना एक एक करके समझते हैं। सिंगल प्रीमियम का पेमेंट स्ट्रक्चर, इस ऑप्शन में आप अपना पूरा प्रीमियम एक बार में ही पे कर देते हो, ये वन टाइम लमसम पेमेंट होती है। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो जनरली इसका ओवरऑल कॉस्ट लो होता है क्योंकि आपको वन टाइम पेमेंट पे डिस्काउंट मिलता है, लेकिन अगेन इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझना जरूरी है क्योंकि वन टाइम पेमेंट जो आप इंश्योरेंस कंपनी को दोगे वही अमाउंट अगर आप हर साल देते हो इंश्योरेंस कंपनी को और वन टाइम प्रीमियम के अमाउंट को अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। तो सिंगल प्रीमियम को सोच समझ कर लेना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझने के बाद। कैश फ्लो इम्पैक्ट की बात करें तो कैश फ्लो पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि एक बार में ही आपके बैंक अकाउंट से इतना बड़ा अमाउंट खाली हो जाता है। अगर हम रिस्क ऑफ लैप्स की बात करें तो इसमें कोई ज्यादा रिस्क नहीं होता क्योंकि आपने एक ही बार में पूरा प्रीमियम दे दिया है। इसका मतलब यह है कि आप प्रीमियम पेमेंट की डेट भूलोगे नहीं तो पॉलिसी लैप्स नहीं होगी। अगर हम सूटेबिलिटी की बात करें तो ये ना उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास एक्स्ट्रा फंड्स पड़े होते हैं और उन्हें ना हर महीने पेमेंट करने की झंझट नहीं चाहिए या हर साल प्रीमियम पेमेंट करने की झंझट नहीं चाहिए। अगर हम लिमिटेड प्रीमियम की बात करें और उसके पेमेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो आप ना अपने प्रीमियम को फिक्स्ड नंबर ऑफ इयर्स के लिए पे करते हैं जो पॉलिसी टर्म से कम टाइम के लिए होता है। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो इसका जो कॉस्ट है ना वो ज्यादा होता है रेगुलर प्रीमियम के कंपैरिजन में। जो हायर कॉस्ट आप कंपनी को देते हो उसे इन्वेस्ट करने पर ना आप ज्यादा के रिटर्न्स अर्न कर सकते हो। सो जनरली ना लिमिटेड पे रेकमेंडेड नहीं होता। कैश फ्लो की बात करें तो मॉडरेट इम्पैक्ट होता है क्योंकि आपको कुछ सालों के लिए हायर पेमेंट करने पड़ते हैं लेकिन उसके बाद कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता। रिस्क ऑफ लैप्स की बात करें तो पेमेंट पीरियड के दौरान रिस्क होता है लेकिन जब पेमेंट खत्म हो जाते हैं तब कोई रिस्क नहीं होता। और सूटेबिलिटी की बात करें तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जो अपने पेमेंट्स जल्दी खत्म करना चाहते हैं बिना लमसम पे किए। नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड ऑप्शन, दैट इज रेगुलर प्रीमियम। मेरे ख्याल से ना ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ज्यादातर लोगों को ना टर्म प्लान सिलेक्ट करते वक्त इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए। अगेन इसके बारे में ना मैंने पार्ट वन में बहुत अच्छे से एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया है तो पार्ट वन को मिस मत कीजिएगा। पेमेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो आप अपने प्रीमियम को पूरी पॉलिसी टर्म के दौरान रेगुलरली पे करते हैं। टोटल कॉस्ट की बात करें तो नॉर्मली इसका कॉस्ट लिमिटेड प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के कंपैरिजन में कम होता है क्योंकि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होती है। कैश फ्लो पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता क्योंकि इसका प्रीमियम ऑलरेडी कम होता है। रिस्क ऑफ लैप्स इसमें थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि आपको ना लंबे समय तक प्रीमियम पे करना होता है तो कभी अगर आप प्रीमियम पे करना भूल गए तो पॉलिसी लैप्स हो सकती है। अब ये उन लोगों के लिए सूटेबल होता है जिनके पास रेगुलर कैश फ्लो होता है, हर महीने उनकी सैलरी आती है तो वो हर महीने अपने इनकम में से इसका प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है, आपको टर्म इंश्योरेंस को कैसे खरीदना है ये समझ में आ गया होगा अब तक। तो आप इस वीडियो को अप्लाई करोगे टर्म प्लान खरीदते समय। अगेन अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ना मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको कुछ सीखने मिला हो इस वीडियो से तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में थैंक यू लिख दीजिए। इससे होगा ये कि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है ना वो और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करेगा और ज्यादा लोगों को सही टर्म प्लान सिलेक्ट करने की जानकारी मिलेगी आपकी हेल्प से। अगेन थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।